चल तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन के साथ. कल हम लोग ने जॉइंट प्रोबेबिलिटी किया था. क्या किया था जॉइंट प्रोबेबिलिटी में कि दो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई, दोनों ही रैंडम वेरिएबल्स होते हैं एंड हम लोग उनको साथ में स्टडी करते हैं. दो चीज़ हम लोग किए थे जॉइंट प्रोबेबिलिटी में. एक था इंडिपेंडेंस वाला थिंग कि जब इंडिपेंडेंस होता है तो हम लोग कैसे करते हैं. वी सिंपली टेक एनी वन वैल्यू एंड हम लोग को चेक करना होता है इस वैल्यू के लिए कि जॉइंट इज इक्वल टू मार्जिनल इनटू मार्जिनल. ये इंडिपेंडेंस का कंडीशन होता है, राइट. फिर हम लोग स्कैटर प्लॉट्स भी किए थे कल. स्कैटर प्लॉट्स में हम लोग देखे थे कि थ्री टाइप्स से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कोरिलेशन को. एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर. फिर उसके बाद में एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो. और तीसरा वाला क्या होता है? तीसरा वाला होता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, वीक, ज़ीरो कोरिलेशन, राइट. तो अब ये तो हम लोग देख लिए स्कैटर प्लॉट से कि कोरिलेशन क्या होता है. उसके अलावा हम लोग कोवेरियंस भी किए थे. कोवेरियंस में हम लोग देखे थे कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है. जल्दी से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. या फिर एक और फॉर्मूला होता है वन बाय एन माइनस वन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार. ये दोनों टाइप का फॉर्मूला होता है फॉर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई. कोवेरियंस का हम लोग बहुत सारा रूल्स भी किए थे कि दो कोवेरियंस मेजर क्या करते हैं. सबसे पहले कोवेरियंस मेजर्स कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर एक्स को चेंज करने से वाई में कैसे चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज करने से कम चेंज, या पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है. ये सब हम लोग को कोवेरियंस से समझ में आते हैं. और कोई भी वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट का कोवेरियंस इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि हम लोग वेरिएबल को कितना भी चेंज कर ले वो कॉन्स्टेंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो इसीलिए वो वेरी नहीं करेगा. ओके हाँ बोलो. हाँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेम एज कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा एक्स. क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं कोवेरियंस? कोवेरियंस ये नहीं बताते कि एक्स वाई पे एक्ट कर रहे तब क्या हो रहा है. इट जस्ट सेज कि एक्स एंड वाई के बीच में म्यूचुअल रिलेशन क्या है. ओके अब जैसे टू फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये एक खाली एक्स वाई का फ्रेंड है. ऐसे नहीं होगा, वाई भी एक्स का फ्रेंड है. इट इज़ अ बोथ वे थिंग, इसलिए दोनों इक्वल होता है कोवेरियंस में. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है अभी तक जो भी किए हम लोग कल के क्लास में? चलो वेरी गुड. तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन से. कोरिलेशन में हम लोग ऐसे तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोरिलेशन, लेकिन फॉर ए सेट पर्पसेस वी ओनली स्टडी पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. हो सकता है स्कूल लेवल में आप लोग कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़े हो, तो आप लोग केंडल्स रैंक कोरिलेशन भी किए हो या फिर स्पीयरमैन भी किए हो, लेकिन अभी वी विल जस्ट स्टडी पियर्सन्स कोरिलेशन. और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय रो, ग्रीक लेटर रो. कैसा दिखता है? इट इज़ लाइक अ पी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ये बनाना होता है लाइन. और ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स के बीच में होगा तो रो ऑफ एक्स वाई, या फिर इंग्लिश लेटर्स में इसको यूज़ करते हैं हम लोग आर. आगे जाके आप लोग देखोगे ग्रीक लेटर्स यूजुअली यूज होते हैं, ग्रीक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स यूजुअली दे आर यूज्ड फॉर पॉपुलेशन एंड स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सैम्पल. ये हम लोग ऑलरेडी पहले के क्लास में कर चुके हैं
कि सैम्पल और पॉपुलेशन के कैलकुलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिकॉज सैम्पल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दे टेंड टू बी सिमिलर, लेकिन जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो और भी थोड़ा वेरी होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूलाज में चेंजेस लाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियंस में हम लोग पॉपुलेशन के लिए 1/n लेते हैं, लेकिन सैम्पल के लिए 1/n-1 ले लेते हैं, राइट? तो ऐसे कोरिलेशन के लिए भी डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए आप लोग रो एक्स वाई एंड आर एक्स वाई को एक ही समझ के चलो। अब आर एक्स वाई एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहला बात तो ये कोएफिशिएंट है, एंड कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? यूनिटलेस। और यूनिटलेस कब बनेगा? जब आप रुपी को रुपी से डिवाइड करोगे तब वो यूनिटलेस बनेगा, परसेंटेज को परसेंटेज से तो वो यूनिटलेस बनेगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जब अगर हम लोग सपोज कोई चीज़ का कोवेरियंस निकालते हैं तो उसका यूनिट पता है क्या होता है? जैसे वेरियंस का यूनिट क्या होता है? बहुत बार परसेंटेज स्क्वायर, क्योंकि उसमें 2% होते हैं। सिमिलरली कोवेरियंस का भी यूनिट परसेंटेज स्क्वायर माना जाता है, या परसेंटेज स्क्वायर हो गया, या जो भी यूनिट में आप काम कर रहे हो उसका स्क्वायर, बट यूजुअली ये सब वैल्यूज़ में परसेंटेज ही होता है। तो इसलिए क्या होगा, हम लोग को कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यूनिटलेस बनाने के लिए वी हैव टू डिवाइड परसेंटेज स्क्वायर्स। तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या लेते हैं? वी टेक कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वो एक परसेंटेज स्क्वायर का क्वांटिटी है। डिनोमिनेटर में अब या तो हम लोग एक्स का वेरियंस ले सकते हैं या वाई का वेरियंस ले सकते हैं, बट इज इट राइट अगर हम लोग कोई एक ही चूज करें? नॉट एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टू क्वांटिटीज को साइमल्टेनियसली स्टडी करें, टू वेरिएबल्स को। तो इसीलिए व्हाट वी डू इज हम लोग दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेते हैं। दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिविजुअली परसेंटेज परसेंटेज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग का रिजल्टिंग थिंग विल बी यूनिटलेस। तो फॉर्मूला क्या बना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का? आर ऑफ एक्स वाई और रो एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट? तो ये सबसे पहले तो ये फॉर्मूला को हम लोग लिख लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग करेंगे, ये तो हुआ कोरिलेशन। अच्छा, अभी खाली कोरिलेशन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कोरिलेशन में अब आप मेरे को बोलो कि इसमें ओरिजिन का और स्केल का, ये दोनों का चेंजेस कैसे अफेक्ट होगा? मेरे को पहले तो बताओ कोवेरियंस कैसे अफेक्ट होता था? कोवेरियंस किससे अफेक्ट होता था? तो उसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। कल किए थे हम लोग ओरिजिन फैक्टर, चेंज करना इज ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, एंड कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना इज स्केलिंग फैक्टर। अच्छा, और स्टैंडर्ड डिविएशन किससे अफेक्ट होता है? तो सेम स्केल से चेंज होते हैं, हाँ? तो अगर सपोज यहाँ पे आई टेक एक्स की जगह, मतलब इफ आई टेक टू न्यू वेरिएबल्स नेमली ए एंड बी, ए को हम लोग बोल देते हैं इट इज तो हम लोग यहाँ पे x और y जो वेरिएबल को स्टडी कर रहे थे उसका ओरिजिन भी चेंज कर दिया और स्केल भी चेंज कर दिया, एंड न्यू वेरिएबल्स आ गया a b, राइट? ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं स्केल एंड ओरिजिन का इफेक्ट ऑन आर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा अब अगर हम लोग को r ऑफ a b निकालना है? तो फॉर्मूला होगा कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी डिवाइडेड बाय
standard deviation of ax plus b into standard deviation of cy plus d. चेंज ऐसे हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला. इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, वेरी गुड. और बाकी चीज का कुछ नहीं होगा क्योंकि ए एक्स का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बी और डी का नहीं है, सिमिलरली बी और सी वाई का भी नहीं है. तो वी विल जस्ट बी लेफ्ट विद ए सी कोवेरियंस एक्स वाई. एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसको बी अफेक्ट नहीं करेगा, खाली एक ए बाहर आ जाएगा. और ये वाला जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसको डी अफेक्ट नहीं करेगा और खाली एक सी बाहर आ जाएगा, करेक्ट. तो फिर ये ए सी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में हम लोग के पास ए सी बाहर आ गया. एंड दोनों कट हो सकते हैं. तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, हम लोग घूम के कहाँ आ गए, ओरिजिनल फॉर्मूला. तो इससे हम लोग को क्या पता चलते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट किससे अफेक्ट होते हैं, स्केल से कि ओरिजिन से, किसी से भी नहीं होता. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आर इज अनअफेक्टेड बाय बोथ R is unaffected by both change in scale and origin. ये तो हो गया R का कहानी. अब और क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट हम लोग पहले मूव ऑन करते हैं रिग्रेशन पे, फिर हम लोग समझ में आएंगे. अब रिग्रेशन क्या होते हैं, रिग्रेशन में वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी लीनियर रिग्रेशन. जैसा मैंने बोला था कि नॉन लीनियर कोरिलेशन हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ लीनियर करेंगे. मतलब हम लोग का जो भी कोरिलेशन होगा वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, मतलब स्ट्रेट लाइंस में होगा, ऐसा करके कोई भी कोरिलेशन नहीं आएगा हम लोग को. तो अब लीनियर कोरिलेशन में हम लोग जब स्कैटर प्लॉट देखे थे तो स्कैटर प्लॉट में हम लोग को देख के समझ में आ रहा था कि पॉइंट्स है, थोड़ा सा पॉइंट्स फैला हुआ है, ज़रूरी नहीं है सारा स्ट्रेट लाइन में हो, थोड़ा सा फैला हुआ हो ही सकता है, फिर भी हम लोग को ये देख के समझ आ रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है. तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अब वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ एक ऐसा लाइन जो सब पॉइंट से ऐसे डिस्टेंस पे है कि जो एरर्स है, मतलब क्या बोलते हैं, मान लो अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है इस लाइन पे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इस लाइन को इट हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज वी आर स्टडिंग लीनियर रिग्रेशन. तो अगर इस पॉइंट को हम लोग लेते हैं तो ये पॉइंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पॉइंट एंड टू सम एक्सटेंट ऑल्सो दिस पॉइंट. यहीं अगर इस लाइन को अगर हम लोग थोड़ा सा अलग बनाते, मान लो अगर ऐसे बनाते तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता, वो मान सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेटिव होता, इसका रिप्रेजेंटेटिव होता, और हाँ मोस्टली ये दो का रिप्रेजेंटेटिव मान सकते थे हम लोग. तो ये लाइन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लाइन बेस्ट फिट है, वी डू इट बाय मिनिमाइजिंग एरर. मिनिमाइजिंग एरर मतलब एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे है लेकिन लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर एरर. क्योंकि जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, वाई डू वी स्टडी कोरिलेशन रिग्रेशन, वी स्टडी इट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज. अगर कल का एग्जाम्पल से हम लोग देखें नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड वर्सेज मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ये पढ़ के, वॉट डू वी डू आफ्टर स्टडिंग दिस, वी सिंपली
यूज़ इट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर थिंग्स. मान लो कि अगर हम लोग स्टडी करने के बाद पूरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लिए दोनों का, हम लोग रिग्रेशन निकाल लिए, सब कर लिए, उसके बाद क्या फ़ायदा ये करके. अगर हम लोग को बोला जाएगा कि आज ये एक बच्चा है, इसने इतना घंटा पढ़ाई किया है, तो इसको कितना मार्क्स मिल सकते हैं. एक्चुअली इसका तो यही काम होता है प्रिडिक्शन करना मोस्टली. तो ये रिग्रेशन का लाइन को यूज़ करके, कोई भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m और c नोन होते हैं. y की जगह में कोई भी इनपुट डालोगे तो x निकलेगा, x की जगह में कुछ भी डालोगे तो y निकलेगा. यही होते हैं स्ट्रेट लाइन का. एंड जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होते हैं दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, विच आर एक्चुअली आर टू क्वान्टिटीज़ जो रिलेटेड है और उनका रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होते हैं ये तो हम लोग समझ गए. निकलता कैसे है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, वो वाले चीज़ में हम लोग को अभी जाने का ज़रूरत नहीं है. लेटर इन सी एस वन यू ऑल विल स्टडी दैट. अभी के लिए वॉट वी हैव टू नो इज कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके पीछे का थ्योरी नहीं जानना है. लाइन ऑफ बेस्ट फिट का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. अब देखो यहां पे कोई भी मेरे से पूछेगा कि मैंने टू इक्वेशंस क्यों बनाए. ये इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जब एक ग्राफ बनते हैं तो उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है. रिलेशन हमेशा दो तरफ से होते हैं. कोई भी फ्रेंडशिप में हो सकता है एक दोस्त अच्छा हो और एक दोस्त गंदा हो. तो हो सकता है गुड का बैड पर इन्फ्लुएंस पड़े, या ये भी हो सकता है बैड का गुड पर इन्फ्लुएंस पड़े. बोथ वे स्ट्रीट होते हैं हर चीज़. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड रुकना. सॉरी. तो दोनों वे से इन्फ्लुएंस पड़ते हैं. तो एक इन्फ्लुएंस होगा जो y ऑन x होगा. मतलब क्या हो रहा है, इसमें हम लोग y ऑन x जब बोलते हैं तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिपेंडेंसी. हाँ दोनों हो सकते हैं. अब हम लोग जब ये वाला सपोज एग्जांपल ले तो हम लोग टू वे से स्टडी कर सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेंड को अगर हम लोग इंडिपेंडेंट ले तो हम लोग हर एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिसको जितना मार्क्स मिला. हम लोग पहले मार्क्स को इंडिपेंडेंट रख के उनसे पूछ सकते हैं कि आप कितना घंटा पढ़े थे. या फिर हम लोग दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले पूछ ले कि आप कितना घंटा पढ़े हो, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया. एंड इस पे क्या डिपेंडेंट है कि आपको बाद में मार्क्स कितना मिला. इन अ वे हम लोग इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं कि डिपेंडेंसी हम लोग कब चेंज कर रहे हैं. हम लोग पहले कंसिडर करेंगे कि हम लोग ये स्टूडेंट जो इतना इतना घंटा स्टडी किए हैं, हम लोग बाद में जब इनका मार्क्स आएगा तब इनको स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड. सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क्स आने के बाद हम लोग जा सकते हैं एंड हम लोग स्टूडेंट्स को रैंडमली उठा सकते हैं और हम लोग पूछेंगे कि आपको कितना मार्क्स मिला. तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, वी आर चूजिंग कि कौन से मार्क्स को स्टडी करना है और फिर उनको पूछ रहे हैं हम लोग कि आप कितना घंटा पढ़े. तो ये टू टाइप्स का स्टडी होता है हमेशा.
तो ये जब टू टाइप्स का स्टडीज़ होते हैं तो इसमें क्या होता है, जब अगर एक्स था आर स्टडी और वाई है मार्क्स ऑब्टेंड, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्स को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं एंड वाई को डिपेंडेंट. सेकंड केस में एक्स इज डिपेंडेंट एंड वाई इज इंडिपेंडेंट, राइट. तो फर्स्ट केस में हम लोग को कैसे प्रिडिक्शन मिलेगा, हम लोग को प्रिडिक्शन ऐसे मिलेगा कि हम लोग को एक्स का वैल्यू दिया जाएगा एंड उसको यूज़ करके हमें वाई निकालना है. सेकंड केस में हमें वाई का वैल्यू दिया जाएगा जिसे यूज़ करके हमें एक्स निकालना है, राइट. तो इसीलिए टू काइंड्स ऑफ फॉर्मूला बनते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर रिलेशन चेंज हो. एक्स का वाई के ऊपर जो रिलेशन नहीं है, ज़रूरी जो रिलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि वाई का भी एक्स पे सेम डिट्टो रिलेशन हो, थोड़ा सा चेंज हो सकता है. तो ये हम लोग कैसे देखेंगे, टू काइंड्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस बनते हैं. एक होते हैं ये वाला एंड दूसरा होता है ये वाला, जिसमें बी वाई एक्स यूज होते हैं. दैट इज, इसको ऐसे रीड करो, रिग्रेशन बी इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिपेंडेंसी ऑफ y on x. तो अगर इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो y बार हम लोग को पता है, b y x हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, x पता है क्योंकि वो तो हम लोग का इनपुट है, हम लोग को बोल दिया जा रहा है कि इतना घंटा पढ़ा है तो वो तो हम लोग को पता है, और हम लोग को प्रिडिक्ट क्या करना है, y प्रिडिक्ट करना है. तो इसीलिए जब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है गिवन अ वैल्यू फॉर x, तो हम लोग फर्स्ट वाला लाइन यूज़ करेंगे. डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट वाले लाइन में b y x होना चाहिए, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y है. तब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x बार प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. मेरे को कोई बोल सकते हैं कि इसमें ये जो लाइन है, दोनों दोनों लाइन में स्लोप क्या है, हर लाइन का एक स्लोप होता है और एक कोएफिशिएंट होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स सी, इसमें स्लोप m होता है और कोएफिशिएंट या फिर इंटरसेप्ट इज c, ये तो हम लोग को पता है पहले से. तो इन दोनों केस में स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है, y बार इंटरसेप्ट होगा, श्योर. ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को इंटरसेप्ट से ज्यादा कुछ लेना देना भी नहीं है. आवर मेन कंसर्न इज गोइंग टू बी द स्लोप. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये बी एक्स वाई और ये बी वाई एक्स आखिर है क्या और ये कैलकुलेट कैसे होगा. ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसका नाम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड इसका फॉर्मूला है तो क्या चेंज हो रहा है, जब x ऑन y है तो x का स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर आएगा एंड y का नीचे आएगा, जब y ऑन x है तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर आएगा और x का नीचे आएगा. और ये जो r x y है ये क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वेरी गुड. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. बस वो रेशियो का फॉर्म क्या होएगा,
वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। अब एक बात बताओ मेरे को कि खुद अगर कर सकते हो तो मेरे को बताओ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या अफेक्ट करेगा, कौन सा वाला अफेक्ट करेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, आर को क्या अफेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसको तो एक बार भूल जाओ, इसको हम लोग एक बार फॉर्मूला से आउट कर देते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को कुछ अफेक्ट ही नहीं करेगा वो हम लोग का बिगाड़ क्या सकते हैं, वो तो अपना हमेशा मस्त मौला रहेगा। अब बचा ये रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, इनको क्या अफेक्ट करते हैं, स्केल अफेक्ट करते हैं। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे कोई प्ले ही नहीं है, स्केल ही अफेक्ट करेगा हम लोग को खाली, तो ओरिजिन भी आउट। क्वेश्चन बचा कि स्केल कैसे अफेक्ट करेगा, हाउ विल द स्केल अफेक्ट इट, यू मीन बी वाई, ऐसे होगा। तो अगर सेम चीज अगर ये सपोज बी एक्स वाई को कर रहे हैं तो बी वाई एक्स को सेम चीज कैसे अफेक्ट करेगा, बी बाय ए, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिपेंडिंग कि हम लोग कौन सा वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हम लोग का स्केल मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देगा कि डिवाइडिंग इफेक्ट देगा। अगर मान लो y को अगर हम लोग कॉन्स्टेंट ही रखे एक बार के लिए और खाली x को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि x न्यूमरेटर में है। सेकेंड केस में सेम चीज़ हम लोग को डिवाइडिंग इफेक्ट दे रहा है बिकॉज x इज़ इन द डिनोमिनेटर, राइट। तो ये हम लोग को याद रखना होगा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ओनली अफेक्टेड बाय स्केल, क्लियर। ये कॉपी कर लो, कॉपी में दो मिनट लो। डन, ठीक है। अब पहले एक तो हम लोग सम करते हैं,
Which of the following is true? फर्स्ट वाला क्यों कैसे करेंगे ये? बताओ कैसे करेंगे? इफेक्ट तो कोई पड़ेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो, ये हम लोग नहीं बोल सकते कि सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन इसको अगर हम लोग करें एक बार तो हम लोग का रो ऑफ एक्स क्यू कितना आएगा? सी को वेरियंस ऑफ एक्स वाई बाय हाँ बट यहाँ पे हम लोग क्यू की जगह वाई लिख ले रहे हैं कर, तो बाहर में एक ठो सी आ रहा है। तो ये चीज़ अगर याद है कि नहीं पता नहीं, बट हम लोग जब करते हैं तो हमेशा जो नीचे वाला सी होता है ना, जब स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर हम लोग स्केल चेंज को कंसिडर करते हैं तो हमेशा उसका मॉड का वैल्यू लिया जाता है, हमेशा एक पॉजिटिव ही होगा। अगर आप एक्स को -3 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन +3 से ही चेंज होगा हमेशा। सॉरी, क्यों पता है? वेरिएंस में क्या बोलते हैं? वेरिएंस में एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग हमेशा मॉड, जो स्केलिंग फैक्टर है उसका मॉड को बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सी बाय मॉड सी रो एक्स वाई, और सी बाय मॉड सी कब होगा? ये हम लोग को 1 चाहिए तभी इक्वल होएगा। अगर ये -1 हो जाएगा तो इट विल बिकम माइनस रो एक्स वाई, वो हम लोग को चाहिए नहीं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, सी बाय मॉड सी हैज़ टू बी इक्वल टू 1, नॉट -1। और ये 1 कब होगा? जब सी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर सी लेस देन 0 है तो मॉड सी क्या वैल्यू लेगा? -c, और सी बाय -c फिर हम लोग को -1 दे देगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। इसीलिए वी नीड सी टू बी ग्रेटर देन 0 टू बी श्योर कि हम लोग का आंसर ये आएगा। अगर सी लेस देन 0 है देन देर शुड बी अ माइनस साइन इन फ्रंट, करेक्ट? समझ में आया क्यों? ठीक है, अब थोड़ी बात है रिग्रेशन के बारे में। दो लाइंस होते हैं रिग्रेशन के, ये तो हम लोग को दिख गया, और क्यों होते हैं ये भी पता चल गया। बट जब आपको लाइंस दे दिया जाएगा तो हाउ विल यू नो कि वो एक्स ऑन वाई का लाइन है कि वाई ऑन एक्स का लाइन है?
ये हम लोग को पता चलेगा यूजिंग अ ट्रायल एंड एरर मेथड. ये हमेशा याद रखना, आर का, बी वाई एक्स का और बी एक्स वाई का साइन हमेशा सेम होगा. ऑलवेज द थ्री ऑफ देम विल हैव द सेम साइन. पता है क्यों? क्योंकि आर नेगेटिव है. तो इसका मतलब क्या है कि वाई और एक्स के बीच में रिलेशन नेगेटिव है, क्योंकि आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो तो हम लोग को कोरिलेशन ही बताएगा. तो अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो आर हम लोग का नेगेटिव होगा. और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है? लाइन का स्लोप है. लाइन का स्लोप क्या बताता है? अगर पॉजिटिव स्लोप होते हैं तो लाइन ऊपर जाती है, नेगेटिव स्लोप होता है तो लाइन नीचे आती है. करेक्ट कि रॉन्ग? हाँ, हमेशा ऊपर जाने वाले का स्लोप पॉजिटिव, नीचे जाने वाले का स्लोप नेगेटिव. तो अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो मतलब जो लाइन हम लोग बनाएंगे रिग्रेशन का वो भी नीचे की तरफ ही जाएगी. तो लाइन का स्लोप ऑलवेज हैज टू बी नेगेटिव. और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या होता है? रिग्रेशन लाइन का स्लोप. इसीलिए आर और दोनों मतलब कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं हमेशा उनका साइन सेम होगा. ओके, एक और चीज, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन. अगर आर जीरो है इसका मतलब नो कोरिलेशन. जैसे जैसे वो वन की तरफ जा रहा है तो उसमें कोरिलेशन आ रहा है दोनों वेरिएबल्स में. और कैसा होगा? वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. जैसे जैसे वो जीरो के दूर जा रहे हैं एंड इट इज़ अप्रोचिंग माइनस वन, तो कोरिलेशन आ रहा है, लेकिन कैसा है कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन. लेकिन जब वन है और माइनस वन है उसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन. अब परफेक्ट कोरिलेशन कैसे होते हैं? जब जो पॉइंट्स हैं हम लोग का वो एकदम एक ही लाइन में लाए करते हैं. ये तो बहुत ही गलत लग रहा है. इसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन. क्योंकि जितना एक्स में जितना वाई में चेंज हो रहा है उतना ही एक्स में चेंज होगा. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन. अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं. एक जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं उससे हम लोग समझेंगे कि कौन सा वाला एक्स ऑन वाई है एंड कौन सा वाला वाई ऑन एक्स है. ये टू रिग्रेशन लाइंस हैं. अब इनमें से एक कोई वाई ऑन एक्स है और दूसरा एक्स ऑन वाई है. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले टू नो कि कौन सा वाला किस में. क्यों ये जानना क्यों ज़रूरी है कि कौन सा वाई ऑन एक्स है और कौन सा एक्स ऑन वाई है? क्योंकि अगर आपको पूछेगा कि एक्स का वैल्यू थ्री है, वाई का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या यूज़ करना होगा? वाई ऑन एक्स वाला लाइन यूज़ करना पड़ेगा. अगर आप x ऑन y वाला लाइन यूज़ करके आंसर निकालोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. तो इसीलिए हम लोग को जानना ज़रूरी है कि कौन सा x ऑन y एंड कौन सा y ऑन x है. चाहिए
दोनों लाइन को यूज़ करके हम लोग x एंड y को रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग स्लोप्स चेक करेंगे। हाँ बोलो क्या। क्या होगा? हाँ नहीं, तो जब हम लोग को x और y के लिए चेकिंग करना है तब तो हम, हाँ आ गया ना समझ में, बट हाँ ठीक है, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है, डाउट हो ही सकते हैं कि जब हम लोग को चेक करना है x और y के लिए, ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि x और y वाला कौन सा लाइन है और ये चेक कर रहे हैं y और x वाला कौन सा लाइन है, अब ये कैसे डिसाइड होगा? सोचो एक बार, एक मिनट, कैसे डिसाइड होगा? फॉर्मूला से? कौन सा फॉर्मूला? सबसे पहले तो हम लोग को ये याद रखना होगा कि हम लोग कौन सा लाइन यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट लाइन को यूज़ किए और इसमें फर्स्ट को यूज़ किए, इसमें सेकंड को और इसमें सेकंड को, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये दोनों को करेक्ट मान लें, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर इसमें हम लोग फर्स्ट मान रहे तो दूसरे वाले में हम लोग को सेकेंड वाले को ही मानना पड़ेगा, है ना? सोचो, स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ से आएगा? वापस से एक बार। तो इसको क्या करोगे आप? अगर ये एक्स ऑन वाई है, मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, इस सब में एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, एक सेकंड रुकना।